हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम कभी भी अचार बनाते हैं तो फालतू की मगजमारी पड़ जाती है कि सारे मसाले तैयार करने हैं तभी अचार बनेगा। तो आज हम सारी मसाला बना के स्टोर करने का तरीका बताएंगे, जिससे कभी भी अचार बनाना हो तो हम फटाफट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अचारी मसाला बना के आपको दिखाने जा रहे हैं, तो चलिए फटाफट हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अचारी मसाला बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है राई, धनिया, जीरा, कलौंजी, हींग, ब्लैक पेपर, सौंफ, अजवाइन, तेल, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अमचूर पाउडर, मेथी से। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमें एक भारी तले वाली पैन या कढ़ाई ले लेनी है। पैन को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है, फ्लेम को हमें स्लो कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया। तो धनिया हमने अखा लिया है, तो इसे हल्का सा भूनेंगे। हमने 2 चम्मच भर के धनिया लिया है। यहाँ पे हम 1 चम्मच भर के जीरा लिए हैं। हमने यहाँ पे 1 चम्मच काली मिर्च ले रखा है, तो इसे भी हम डाल देंगे। 1 चम्मच मेथी दाना और 2 बड़ी चम्मच सौंफ का ले रखा है। तो हम सारे मसालों को एकदम स्लो फ्लेम पे भूनेंगे। हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। अचार में ध्यान रहे, मसालों को एकदम स्लो फ्लेम पे भूनना है। 1 मिनट हमने मसालों को भून लिया है। यहाँ पे हम डालेंगे सरसों के दाने, क्योंकि सरसों के दाना ज्यादा नहीं भूनना होता है। अगर हम ज्यादा भूनेंगे तो कड़वा टेस्ट आएगा। सभी मसाले को हम 1 मिनट तक और भूनेंगे। हमने अचार के सभी खड़े मसाले को 4 से 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे भूना है। फिर से एक बार आपको बता दे रही हूँ, सबसे पहले हमें पैन गरम कर लेना है, फिर फ्लेम को स्लो करके हमें एक एक करके सभी खड़े मसाले डालने हैं। कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। हमें मसाले में से कोई भी चटकने की आवाज नहीं आने देनी है। जस्ट ये गर्म हो जाए, इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए, इतना ही हमें भूनना है। तो हमारा मसाला गर्म हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर ले रहे हैं और थोड़ी देर और हम इसे चला दे रहे हैं, जिससे कि ये नीचे से ज्यादा भूने नहीं, नहीं तो अचार कड़वा लगने लगता है। मसाले से बहुत ही बढ़िया अचारी खुशबू आ रही है। खड़े मसाले को ठंडा होने देते हैं, तब तक हम अपना तेल गर्म कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पैन में तेल ले लिया है। तेल को हमें उबाल आने तक गर्म करना है। तो आप देख सकते हैं अपनी तेल अच्छी खासी गर्म हो चुकी है। इसमें उबाल जैसा आपको दिख रहा होगा आ चुका है। हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और तेल को हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अपना मसाला ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक जार में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये अपना मसाला जार है। आपका ज्यादा है तो 2 बार करके पीसिए, और कम मसाला है तो 1 ही बार में पीस जाएगा, नहीं तो बड़ा जार भी ले सकते हैं। चलिए हम इसे पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सभी मसाले को मिक्सर जार में पीस लिया है। कितना बढ़िया अपना अचार के लिए मसाला तैयार हो रहा है। चलिए हम इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। तो हम एक यहाँ पे बॉल लेंगे और इसमें मसाला को निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बाकी के सभी सूखे मसाले। तो हमें अमचूर पाउडर डाल देना है, इसे हमें पीसना नहीं था तो हमने इसे ऐसे रखा है। अजवाइन,
तो कभी भी आप अजवाइन डालें तो इसे एक बार साफ करके देख लें, इसमें पत्थर निकलता है तो अचार का टेस्ट खराब हो जाता है। क्लौंजी, हींग, नमक, तो कभी भी आप अचार बनाइए तो उसमें नमक ज्यादा ही डाला जाता है, और मिर्च ना हो तो फिर अचार चटपटा कैसे होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 2 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। मिर्च पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, आप अपने तीखा के अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन अचार में मिर्च ज्यादा होना चाहिए। और हल्दी हम 1 चम्मच डालेंगे। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अचार के लिए अपना कितना बढ़िया मसाला बनके तैयार हो रहा है। तो इसमें हम डालेंगे अपना तेल जो हमने गरम करके रखा था। आप तेल पर्याप्त मात्रा में डालिए, यानी कि अपनी मसाला गीली हो जानी चाहिए, इतना तेल हमें डालना है तब ये मसाला खराब नहीं होता है। और हमें जब कभी अचार बनाना हो फटाफट से मसाला ऐड करेंगे, अचार तैयार है, ज्यादा मगजमारी नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया अचारी मसाला बनाना कितना आसान है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।